जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अरणी का परिवार। आज हम अरणी के परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवार, अब परिवार क्या होता है? जिसमें घर के सदस्य रहते हो। घर के सदस्य मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी। मगर कुछ के मम्मी पापा अलग रहते हैं दादा दादी से, है ना, और उसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं। और कुछ परिवारों में दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, उनके बच्चे सभी शामिल होके रहते हैं। तो कितने प्रकार के परिवार हो गए? दो प्रकार के परिवार हो गए। अब दो प्रकार के परिवारों को नाम भी दिए गए हैं। एक नाम दिया है एकल परिवार और दूसरा दिया है संयुक्त परिवार। अब एकल परिवार कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हो उनके बच्चे, वो एकल परिवार हो जाएगा। और संयुक्त परिवार वो कहलाएगा जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी और मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हो, वो संयुक्त परिवार, मतलब बड़ा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। तो हमें दो चित्र दिए गए हैं, ठीक है, ये दो चित्र देख रहे हैं आप लोग। एक चित्र में तो कम सदस्य दिखाई दे रहे हैं, अब दूसरे चित्र में बहुत सारे सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस चित्र को देख के हम पता लगाएंगे कि ये एकल परिवार है, और इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि ये संयुक्त परिवार है। क्यों? क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची, चाची जी, ताई जी, ताऊ जी, उनके बच्चे वगैरह सब हैं, तो ये संयुक्त परिवार है। और इसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एकल परिवार। अब ये चित्र में क्या बातें कर रहे हैं कि बच्चा क्या कह रहा है इस चित्र को देख के? इस चित्र में ये आपस में क्या बात कर रहे हैं कि बच्चा, माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। बच्चा ये अपनी माँ से, माँ आप देखो, ये आपको बाउंड्रीज दिख रही है, तो बच्चों की मम्मी अंदर गेट के अंदर एंटर हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी, माँ आपसे पहले आज पापा घर आ गए। माँ, हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। अब मम्मी, मीटिंग थी, मीटिंग थी का मतलब मम्मी कहीं बाहर जाती है काम करने के लिए, तभी वो बाहर से आई है, है ना। अगर घर में ही होती तो बच्चे ये नहीं कहते कि भई मम्मी आपसे पहले पापा आ गए। तो मम्मी कह रही है, बच्चों को वापस जवाब दे रही है कि हाँ बेटा, थोड़ी देरी हो गई थी, आज एक मीटिंग थी। पिता, थक गई होगी, बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। अब एकल परिवार में पापा, पति अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा है, तो सब मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दोनों, मम्मी भी कमाने जा रही है, पापा भी कमाने जा रहे हैं, और बच्चे भी अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। अब दूसरे चित्र में देखो, दूसरे चित्र में क्या आपस में बातचीत हो रही है कि ताऊ, दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा, ताऊ दीपा की माँ से कह रहा है कि दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछता है यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दे, वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक। अब ताऊ जी दीपा की माँ से कह रहे हैं कि भाई, दीपा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है, अगर लड़की आगे नहीं पढ़ना चाहती है तो, अगर पढ़ना चाहती है तो शादी के लिए मना कर देते हैं, वैसे भी शादी की उम्र हो ही गई है, 21 वर्ष की तो हो ही गई है वो। तो ये चित्र में आपस में ये परिवार आपस में बातें कर रहे हैं। अब आगे है कि ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनको देखना है और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दोनों परिवारों के बारे में चर्चा करनी है, है ना। परिवार में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, इसमें 4 संख्या है और इसमें ज़्यादा संख्याएं दे रखी है। महिलाओं के कार्य, इसमें महिला घर का काम भी करती है और बाहर का काम भी करती है। बाहर का काम जैसे कुछ काम पे जाती है, पढ़ाने जा लो या ट्यूशन कराने जा लो या किसी फैक्ट्री में जा लो, तो ये बाहर का काम भी करती है। और इसमें सारी लेडीज़, सारी औरतें घर के काम में व्यस्त हैं। एक दादाजी हैं, वो आराम फरमा रहे हैं। घर के कार्यों में पुरुषों का योगदान, अब संयुक्त परिवार है उसमें तो पुरुष क्या करते हैं, बाहर कमाने का काम करती हैं। और संयुक्त एकल परिवार में पुरुष घर के काम में भी योगदान देते हैं और बाहर भी कमाने के लिए जाते हैं। पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, अब एकल परिवार में पढ़ाई के महत्व को ज़्यादा, पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और संयुक्त परिवार में पढ़ाई को महत्व देते भी हैं और इतना महत्व भी नहीं है। बच्चों के ऊपर छोड़ दिया कि भी पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आगे शादी कर देते हैं।
परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी। अब एकल परिवार में देखो, एकल परिवार में तो मम्मी पापा दो ही हैं, तो दोनों आपस में निर्णय ले सकते हैं, है ना। मगर संयुक्त परिवार में जो घर का मुखिया होता है, या तो दादाजी होते हैं तो दादाजी निर्णय लेते हैं, नहीं तो ताऊ जी, जो भाई पापा के बड़े भाई होते हैं, वो परिवार के सारे निर्णय लेते हैं। पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं, यह एकल परिवार है। कौन सा हो गया? पीछे बताया था कि भाई पहले चित्र में जो जिसमें सिर्फ चार सदस्य दिखाई दे रहे हैं, तो वो हो गए एकल परिवार। जिसमें माता पिता और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा परिवार हो जाएगा? एकल परिवार। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है। कौन सा? जो दूसरा, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, वो संयुक्त परिवार है। जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। कभी कभी किसी परिवार में एक या दो सदस्य ही होते हैं। तो पहले चित्र को देख के क्या पता चल रहा है कि जिसमें माता पिता और बच्चे हैं, तो वो हो गया एकल परिवार, और दूसरा परिवार संयुक्त परिवार है, क्योंकि उसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका काकी और उनके परिवार के सदस्य भी रहते हैं, तो वो हो गया संयुक्त परिवार। अब आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? इनमें से मतलब एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है? तो कुछ बच्चों के तो, अब ये आप ही लोग इसका आंसर लिखना कि क्योंकि कुछ बच्चों का परिवार एकल होगा और कुछ बच्चों का परिवार संयुक्त होगा। कुछ अपने दादा दादी ताऊ जी के साथ रहते होंगे, कुछ सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे। और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए कि आपके परिवार आसपास में किस प्रकार के अधिकांश परिवार हैं, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करेंगे, आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं।